चलो करें स्टार्ट। हाँ, उठाओ इसका पर्दा उठाओ। पर्दा उठाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई YouTube वीडियो में। तो क्यों आ गई पीछे? तो मैं भी तो आऊंगी। नहीं तो पीछे क्यों हो गई? मैं आगे थी तो मैं दिख नहीं रही थी, मैं पीछे आ गई। और ये देखो मेरा पति मुझसे कैसे मजबूरी करवाता है, देखो। खाली हाथ मैं खाली हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है हमारी 200 वीडियो के आसपास होने वाली हैं। पर पूनम कितनी वो है, एक्टिव है वीडियो बनाने में, तो इसलिए वीडियो का काम मैं कर रहा हूँ। और कुछ नहीं, इसको चाहिए लेबर, इसलिए मेरी छुट्टी आज ये खराब करने जा रही है। हम लोग जा रहे हैं तो भी क्या करते, मैंने आपको कंटेंट दे दिया एक वीडियो बनाने का। तू सिर्फ कंटेंट ही दे सकते, खुद वीडियो नहीं बनाती। कंटेंट ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बंदा आपको स्क्रिप्ट ना दे, हाँ, तो क्या कर लोगे बताओ? तो हम एक खुद मूवी बना देंगे। अभी तो हम लोग जा रहे हैं पूनम का PhD का जो काम है। आपने हमारी स्टार्टिंग की जब मैं न्यूजीलैंड में आया था, तब भी यही देखा होगा भी हम लोग भी पूनम के PhD वाले काम है, वो एक्सपेरिमेंट के को ठीक ठूक करने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं। आज से मतलब वो 7-8 महीने पहले भी वही था, आज भी वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो मतलब आपको ये लग रहा होगा अभी हम लोग वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है। वो एक्सपेरिमेंटल वाली जो रीडिंग्स की वो हो गई है, अब उसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो थोड़ी सी सफाई करने जा रहे हैं, शीशा वगैरह जो भी था उसका। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत वो दिखा देते हैं कैसा सीन है। वैसे आज सनी डे है, थोड़ी सी अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है। सनी और बिना सनी दोनों है। हाँ मतलब धूप आ रही है जा रही है, पर जितना टाइम आ रही है अच्छा लग रहा है। और यहाँ इसने पार्किंग है नहीं इसकी यूनिवर्सिटी में, है मतलब हमारे लिए नहीं है, फालतू में टिकट आ जाएगी। तो गाड़ी हमने लगाई है यहाँ पे, एक सुपर मार्केट है वहाँ 2 घंटे की पार्किंग है, तो वहाँ लगा दिया गाड़ी। थोड़ा सा वॉक करके आए मैं, चल जब तक वॉक कर रहे हैं साथ साथ वीडियो बना लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या सीन है। ठीक है, अब हमें सारा टूल किट ले लिया हमने, बस थोड़ा सा खोल के उसको साफ करके आपको दिखाते हैं सारा सिस्टम कैसा है। ठीक है, हाँ। वैसे तो आपको पिछली वीडियो में भी हमने एक बार बताया था, जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी सिस्टम की। रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे सारा ये यूनिवर्सिटी वाला इसका एरिया है, एंट्रेंस ये इधर है, इधर है ये सारा, यहाँ कोई ना कोई चलता ही रहता है हिसाब किताब। नो डॉग्स, ये देखो यहाँ लिखा है नो डॉग्स। तो आप कैसे आ रहे हो? तो नो डॉग्स लिखा ना, नो अगर नो लाइन लिखते तब मेरी एंट्री बंद थी। डॉग से मुझे याद आया, कल हम एक जगह पे गए थे, वहाँ पे जो डॉग था पहले तो से कोई शेर ही हो, उसका चेहरा वैसे ही था शेर की तरह, है ना। कुत्तों की ब्रीड ही अलग अलग तरह की है, मतलब बड़े बड़े अजीब से कुत्ते हैं। मेरी मासी का लड़का है निप्पी, कनाडा में है, उसको भी कुत्तों का बहुत शौक है। हालांकि वो घर पे भी जो दूसरा है अमनजोत, वो भी यही रखता है, कुत्ते बहुत रखते हैं, तो उनको भला ही पता होगी कौन सी ब्रीड कैसी है। पर ओरिजिनल है, हाँ, देखने को ऐसा लग रहा है जैसे कागज या प्लास्टिक के है ना, पर है ओरिजिनल। ओरिजिनल है ये भी, गंदा उन्होंने भी सफाई सफुई नहीं की हुई, पूरे ऐसे नाम की वो है, हाँ देख ले कितना गंदा पड़ा है। उसको नेचुरल हैबिटेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेचुरल हैबिटेट। शुक्र है तू बोल, आप नहीं समझोगे टेक्निकल है। ओ वाह भाई वाह, ये देखो ये खाद है इनकी नेचुरल। अच्छा, ये जो पत्ते पुत्ते जड़ते हैं उसी को खाद बना देते है ना। वाह भाई वाह, ये है इसका सेटअप। इसकी बैंड बज रखी है अभी। क्या हाल बना दिया, कैसा छोड़ के गया था ये, टूट टाट कैसे गया ये? यार हवा हुआ आती है, इतना कुछ होता है, बताओ। ये तो मैं इसका क्या हाल, ऐसा तो नहीं छोड़ के गया था मैं इसको, बस आपके विरह में ऐसा हो गया। क्या हो गया? आपके विरह में। विरह। तू PhD करने आई है या लिटरेचर पढ़ने आई है? ये शीशा है जो आज हमें जो हम काम करने हैं, ये जो शीशा है इसका, शीशे को इसको उतार के इसको अंदर से साफ करना है। ये देखो ये इस पे अंदर ये हो गया ना, क्या ये मोल्ड सी बन रही है अंदर। अच्छा हाँ, ये जो इससे इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। हाँ ठीक, ये साफ कर देना। ये वाला जी दिख रहे हैं आपको, जो डॉट से दिख रहे होंगे, तो अभी हम इसके कांच ये सारे मोल्ड जमा हुई है, क्योंकि मौसम की वजह से चेंज हो रहा है ना मौसम, तो सारा ये इसका सेटअप है। ये बाउंड्री लगा रखी है ताकि कोई इधर ना आए, समझ में भाई। ये हमारा वेदर स्टेशन है, ये बताएगा कितना सूरज की रोशनी पड़ रही है। वो तो आंखों से पता चल जाएगा भी कितनी रोशनी पड़ रही है कितनी नहीं, मतलब हमें तो कैलकुलेशन चाहिए ना। अच्छा, सोलर एनर्जी पर मीटर स्क्वायर ये चीज है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हुई है।
इसी के लिए बड़ा झंझट इसको करना पड़ा था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ये है वो है, कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है, कैसे जाएगी, ये सारा हिसाब था। चलो करें स्टार्ट। बताओ इसका पर्दा उठाओ। पर्दा उठाओ? हाँ वो खोल लो, खोल के करना पड़ेगा ना इसको, पर इसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको खोलना नहीं है, पर इसको हमें ठीक से लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बार सारा कर आए हैं तो सारा सेट करके जाएंगे। यहाँ पार्किंग का बड़ा इशू है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रिजर्व पार्किंग है या स्टाफ की या जिसको इन्होंने पहले बुकिंग करवा रखी है, क्योंकि लिमिटेड पार्किंग है। देखो मेरे पीछे दिख रही है पार्किंग सारी, ये सारी लिमिटेड पार्किंग है। तो फालतू मैं यहाँ पे अगर गाड़ी लगाऊंगा, नोटिस ना किया तो ना किया, पर अगर कर लिया तो फालतू में टिकट आ जाएगी, और इनकी टिकट भी जैसे $40-50 मिनिमम है, तो फालतू में फंस जाएंगे। क्या फ़ायदा, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। अभी काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है, ठीक है? हाँ खोल के दिखा देते हैं और साफ करके निकल जाएंगे। 1.5 घंटे का काम है। इसका शीशा उतार दिया हमने, देखो शीशा उतारने के बाद ऐसा निकला है जी, टक टक टक। गर्म पड़ी है धूप की वजह से, हल्की हल्की धूप है ना आज। ये साफ, ये सारा साफ कर दिया, देखो सफाइयाँ चल रही हैं इधर। शीशा साफ कर रहा है, अंदर से भी करना पड़ेगा जी। हाँ। मैं पकड़ के रखता हूँ, तुम शीशा साफ कर देना। ठीक है बाहर से तो ये शीशा इतना बड़ा है, इसके ऊपर फिट करना है बस, इसकी सफाई के लिए आए थे हम लोग। इसकी कॉटन कूटन लगा रखी है सारी, ये कॉटन इसलिए ताकि इंसुलेशन। हाँ मैं बता रहा हूँ, है तो कॉटन ही ना। हाँ। उसका काम इंसुलेशन का है, पकड़ रखा है, उसका काम इंसुलेशन का है, ताकि जो भी हीट अंदर आ रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, वो बाहर में जाए। तो तेरा काम अच्छा होगा, अच्छी रीडिंग आएगी। इसी का तो काम है, जितना सोलर तो गर्मी पड़ेगी कि नहीं अभी, क्योंकि इसके बाद ये स्टार्ट होगा मेन, इसकी रीडिंग रूडिंग जो भी है। पहले भी मैंने पहले ली थी। हाँ। पर शायद मैंने सेटिंग सही से की नहीं थी, तो मुझे डाटा सही नहीं मिल रहा, मेरी एफिशिएंसी आ रही है 100 के ऊपर। हाँ। तो वो बोल रहे हैं अगर इतना ही एफिशिएंट है फिर तो तुम कमाल ही हो, मतलब किसी की एफिशिएंसी 100 के ऊपर आ गई, मतलब तुम उसमें 100 का तेल डालोगे, किसी पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 का तेल डालोगे तो वो 200 वाले तेल का काम करेगा, है? तो ये वाली चीज है। तो इसीलिए मैं अब दोबारा रीडिंग ले रही हूँ। बस हो गया साफ, साफ सफाई ये करके इसको फिट करके निकल जाएंगे हम लोग। कल से अपना रीडिंग लेती रहेगी, हम अपने आप यूजुअल काम पे चलेंगे। कौन से? वो नीचे से जहाँ से रुई निकल रही है वहाँ डक्ट टेप लगानी है। अच्छा, वो जो टेम्पोलिन, मतलब थोड़ा सा हाथ और फेरना है क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि काफी टाइम से सेटअप खाली पड़ा है, तो जो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो सिस्टम हिल गया है उसको थोड़ा सा ठीक करके कवर अप करके, ताकि कल चलने लायक हो जाए रीडिंग लेने लायक। काम इधर ही खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये एक साइड चल रहा है, दूसरा भी नैनो पार्टिकल आके कोटिंग होके फिर हमें कलेक्टर बनाना है। तो ये जो आप सुन रहे हो इसको कम से कम 1.5 साल और लगेगा। देखना मेरी पीएचडी भी 1 साल में खत्म करनी है। अरे ये पिछले 2 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, तो आपको आप तो देख ही रहे होंगे, ये जो चलता ही रहेगा ये हमारा। तो जितना मेरा साथ दोगे उतनी जल्दी काम होगा। मैंने बताया था ना भी, आप बोलते हैं ना भी आलस, आप उस बंदे का क्या ही करोगे। ये देखो मेरा दुख सुख, दुख सुख का साथी साथी आ गया मजा। ये भी रेस्ट हो गया है ना, पर अभी क्या करें, यहाँ पे बारिश का मौसम होता है, ऐसा तो होता ही रहेगा। ये मेरे सेटअप का काम हो रहा है, और अभी ये करने के बाद में भी काम बाकी है। ये देखो ये दिख रहा है ना पीछे, ये कपड़ा डाला था हमने ताकि बारिश से हमारा पंखा बचा रहे, इसके अंदर पंखा है, फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये डब्बे के अंदर लगा हुआ है, ये डब्बे के अंदर, और ये डक्ट है, तो हमने इसको कवर कर रखा था कि इसमें बारिश से वो ना हो, पर हवा इतनी चलती है यहाँ पे बारिश में कि वो सारे जो भी हमने बांध बूंद के रखे थे सारा कुछ निकल के तर तर हो गया। तो अभी हम इसको ठीक करेंगे, ये यहाँ पे लगाया था, ये इसको ये टेम्पोलिन को संभालने के लिए हमने पट्टी यहाँ पे लगाई थी, वो भी निकल आया, फिर ये कुछ ऐसा डक्ट उखड़ रहा है, ये देखो इधर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे टेप टूप लगा के सारा कुछ खत्म करके फिर आपको मिलते हैं। ये है जी इसका अंदर का हिसाब था, जहाँ से सारी सारी सिस्टम लगा रखे हैं, और यहाँ पे वो लगा दिया इसका जो भी सिस्टम होता है, यहाँ खोल के इसमें सेल्सोल डाल दिया, चालू कर दिया, फैन चल रहा है, आपको आवाज आ रही होगी हल्की हल्की सी, ये फैन चल रहा है, ये सिस्टम है इसका। इधर क्या है, इसमें क्या है, इधर भी है ना, एनमोमीटर है।
सारे सिस्टम ऑन कर दिए, सेल्सुल डाल के बस सफाइयाँ कर दी, ये बांध दिया बारिश से बचाने के लिए क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती रहती है। बस अब तैयार है, अब रीडिंग आ जाएंगी। मौसम देखो, बादल कितने आ गए यार, बादल बादल बादल। इसका कैंपस है बाहर से, शायद आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, ये बाहर से कैंपस है। मिल लो ऐसे लोगों से जिनको अपने पासवर्ड याद नहीं है, आधा घंटे से मैं ठंड में मर रहा हूँ, तेरे पासवर्ड याद नहीं है। आपको अच्छी कॉफी पिला रही हूँ। अरे कॉफी की बात नहीं है यार, बंदा ठंड में कौन मारता है ऐसे कॉफी पिला। बंद भी नहीं हो रहा। अरे नीचे से होगा ना वो, तो कहीं से भी नहीं हो रहा। हम सीधा आ गए हैं पूनम के कैबिन में, यहाँ पूनम बैठती है, वहाँ वो किसी दूसरे का स्टाफ हुआ है, वहाँ वो चोरी करने गई है, ये यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, ये इनका सिटिंग रूम है वाला। सबसे मुझे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, ये देखो इतने ठंड में ये गर्म गर्म हवा जब देता है ना, आ हा हा हा, मज़ा ही आ जाता है। पासवर्ड का हो गया काम फाइनली, क्योंकि इतने टाइम से कनेक्ट नहीं किया था, मतलब दो तीन महीने हो गए थे है ना, 3 महीने से कनेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो बोला भाई पहले मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करो, और नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वो वाईफाई से कनेक्ट हो ही नहीं रहा था क्योंकि पासवर्ड नहीं मिल रहा था, पासवर्ड वही था, पासवर्ड भूल ही नहीं थी। तो अब यहाँ पे आके इसने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया, बस हो गया, फिर पासवर्ड लग गया, सारा कुछ हो गया। ये है इनकी एंट्रेंस है, कितनी प्यारी बना रखी है। पर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो सब कंट्रियों का जो जो त्यौहार है, मैरी क्रिसमस, उनके सामने उस कंट्री का फ्लैग लगा रखा है, जिस कंट्री का हाँ। जब क्रिसमस थी तो जो कंट्री में वो जिस नाम से बोली जाती है, भूल गई थी यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे शुभ क्रिसमस लिखा था। अच्छा, ये इंडिया वाले के सामने शुभ क्रिसमस था, बाकी कंट्रीज के भी हैं शायद, जहाँ जहाँ के रिसर्च मतलब स्टूडेंट होंगे या रिसर्चर होंगे, तो उन्होंने अपने अपनी कंट्री के हिसाब से बताया था, उन्होंने ट्रांसलेट किया मैरी क्रिसमस को शुभ क्रिसमस। वाह वाह, हालांकि मैरी का मतलब शुभ होता है। चलो, और मौसम ऐसा हो रखा है, ठीक है जी, आज का हमारा हो गया सारा सेटअप, हमने चालू कर दिया। अब मेरा पति मुझे बाहर खाना खिलाएगा। बस देखा, मतलब सारी बातें घूम फिर के हमारी आदि खाने में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी सारी बातें खाने पे आके खत्म हो जाती हैं। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, घर मतलब जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, और अरे यहाँ कौन आएगा, साला भैया मंडे का दिन है, पूरा वीरान पड़ा है यूनिवर्सिटी। वीकेंड के बाद सुबह उठने का मन नहीं किया। यहाँ भी के बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना, स्टूडेंट काम करे ना करे कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो घर पे एग्जांपल देखा ना इस चीज का। कोई नहीं पूछ रहा किसी को, चलो निकल जाओ। नहीं 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 यार, मेहनती तो है, इसके पेपर वाला पेपर ऊपरों का बड़ा हिसाब था रहता पब्लिकेशन का। चलो एनीवे, आज का हो गया, आपको सिर्फ सेटअप का दिखाना था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, हमारी वीडियो को ऐसे प्यार देते रहो, चैनल को आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियोज को पूरा पूरा देखो। आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, मैं नहीं करती। खुश रहो, प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा।